नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले को लेकर जाप प्रमुख पप्पू यादव लगातार जांच की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर उन्होंने पिछले दिनों गृह विभाग को एक पत्र भी लिखा था। अब गृह विभाग के तरफ से इस पत्र का जवाब आ गया है। खुद पप्पू यादव ने इसकी जानकारी दी है, पत्रकारों से बात कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने वह पत्र भी दिखाया है। पहले आप देखिए पप्पू यादव क्या कुछ बता रहे हैं। के बारे में हमने गृह मंत्री को चिट्ठी दिया था, उन्होंने ये चिट्ठी हमको लिखा है, आज ही वो चिट्ठी आई है। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि पप्पू यादव जी, आपका दिनांक 16 जून 2020 को चिट्ठी प्राप्त हुआ, ये मामला कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से संबंधित है, मैं आवश्यक कार्रवाई के लिए मैं उस विभाग को भेज चुका हूं और यह आवश्यक कार्रवाई होगी। ये चिट्ठी उन्होंने भेजा है। तीसरा मैं मांग कर तो आपने देखा पप्पू यादव को गृह विभाग के तरफ से पत्र आया है। उन्होंने खुद बताया कि अब गृह विभाग के तरफ से आश्वासन मिला है, जो कुछ भी मांगे की गई थी उस पर अब अमल किया गया है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या जांच होता है। जिस तरीके से लगातार तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है और भी जो उस मामले में संदिग्ध बताए जा रहे हैं, तमाम लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। हालांकि पप्पू यादव लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि यह आत्महत्या नहीं है बल्कि एक प्लान्ड मर्डर है, एक पूरी तरीके से साजिश के शिकार हुए हैं, बिहार के चमकते सितारे थे। ऐसे में उनका यह जाना बेहद दुखद है, ऐसे में उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, उनके सुसाइड की सीबीआई जांच होनी चाहिए। गृह विभाग की तरफ से पत्र का जवाब आया है। आने वाले वक्त में जो कुछ भी नए अपडेट आएंगे आप तक हम पहुँचा रहे हैं। सबसे पहले आप बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।